हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2। मेरी क्लास 6 के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। जैसे हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हमें अपने खाने के लिए, हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें बहुत न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, यही क्या है, इसके कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, कि फूड के कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं उनको। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, ये जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो किस किस चीज़ों से या क्या क्या खाने से मिलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन हेल्थ, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी फायदे क्या हैं। टेस्ट फॉर डिफरेंट फूड कॉम्पोनेंट्स, अब इनके जो टेस्ट हैं कि उनमें किस किस फूड में क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या नहीं, इसके टेस्ट भी आपको इसमें मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीजेस, यानी कि कोई भी कंपोनेंट फूड अगर आपकी बॉडी में कमी हो तो उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और लास्ट है आपका बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट यानी कि ऐसा खाना जिसमें सारे कंपोनेंट अपनी सही मात्रा में हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फूड दैट वी ईट एट सर्टेन फिक्स टाइम्स ऑफ द डे इज कॉल्ड मील। अब मील क्या होता है, ऐसे टाइम का खाना जो हम एक फिक्स टाइम ऑफ द डे खाते हैं। जैसे आपको पता है कि हम दिन में 3 बार तो बेसिक खाना खाते ही हैं, सुबह, दोपहर और रात का, ठीक है। तो यही जो होते हैं 3 टाइम का खाना, ये क्या कहलाता है, हमारा मील। अब हर जो पीपल होते हैं डिफरेंट रीजन्स में, वो अलग अलग तरह का खाना पसंद करते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि स्टेट वाइड आपकी जो टेस्ट होता है वो अलग अलग होता है लोगों का। अब इसमें बताया है कंपोनेंट ऑफ फूड और उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड हैव सम स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस ड्यू टू द रीजन दैट दे कंटेन सर्टेन कंपोनेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो खाने में होते हैं। यही न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी होते हैं किसके लिए, हमारी बॉडी के लिए, ताकि एक बैलेंस्ड डाइट बना सकें जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या सारे उससे भरा हो। अब ये न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट होते हैं फूड में, वो कौन कौन से तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज। ये हैं आपके न्यूट्रिएंट्स जो आपके खाने में होने बहुत ज़रूरी होते हैं। इन एडिशन टू दीज, इनके अलावा वाटर भी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली वो वाटर हम न्यूट्रिएंट्स में गिनते नहीं हैं, पर एडिशनली वाटर भी एक तरह का हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन दायक चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं आपके अब न्यूट्रिएंट्स, अब हम इनको बारी बारी स्टडी करेंगे। फैट, डू यू नो व्हाट फैट्स मेड ऑफ, फैट्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट किससे बनता है, इन 3 कॉम्पोनेंट हैं इसके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है, ये है टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड। फूड को आप कैसे पता कर सकते हैं कि उसमें फैट है या नहीं। तो इसकी एक्टिविटी क्या दी है कि कोई भी खाना हो, जैसे इसने 3 ऑप्शन लिए थे, या तो आप चावल ले लो, या कोई ऑमलेट ले लो, या कोई भी चीज़ जो फूड की है उसको टिश्यू पेपर में आप रैप करो। जब आप उसको टिश्यू पेपर यानी कि जो बटर पेपर जिसको भी कहते हैं उसमें रैप करोगे, तो उसमें बहुत सारे ऑयल पैचेस आएंगे। तो वो ऑयल पैचेस या क्वांटिटी ऑफ ऑयल जो उसमें आएगा वो आपका क्या कहलाता है, फैट। यानी कि इससे आपको पता चलेगा कि उस खाने में कितना फैट जमा है। और इसमें आप ये भी चीज नोटिस करेंगे कि उस फैट के कारण वो जो हमारा बटर पेपर है वो एकदम ट्रांसलूसेंट हो गया। ट्रांसलूसेंट मतलब जिसमें हमें आर पार आराम से हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। तो ये है टेस्ट पता करने का, द प्रेजेंस ऑफ फैट। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ फैट, यानी कि फैट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। फैट हमें प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल से भी मिलता है। जो चीज एनिमल से आती है उनको हम एनिमल फैट कहते हैं। वो क्या होते हैं, मिल्क, चीज, मीट, बटर, कॉड लिवर ऑयल एक्सेट्रा। और जो चीज हमें प्लांट से मिलती है उनको वेजिटेबल फैट कहा जाता है। और वो कौन से उसके सोर्सेज हैं,
ड्राई फ्रूट में होता है, कोकोनट में भी होता है, पीनट में भी होता है, सनफ्लावर, सोयाबीन, इन सब में, और जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, उसमें भी फैट मिलता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे आपको जस्ट बताना है कोई भी फूड मटेरियल लिखना है और उसके सोर्स लिखने हैं कि वो कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे घी, घी किससे बनता है? ऑब्वियसली दूध से, और दूध कहाँ से मिलता है? एनिमल से। तो यहाँ पे एनिमल में आप टिक करेंगे। इसी तरीके से आपने 3-4 और फूड मटेरियल के नाम लिखने और उनके सोर्सेज को टिक करना है। और फैट्स के सिग्निफिकेंस, फैट हमें एनर्जी देता है, ऐसी बात नहीं। हम जो कहते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत फैट जमा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है। ये एक तरह का एनर्जी गिविंग ही होता है फैट, लेकिन अगर सही मात्रा में हमें मिले तो। फैट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर सब्सिक्वेंट यूज। द स्टोर्ड फैट फॉर्म्स द कुशन फॉर आवर ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी। ये जो हमारे ऑर्गन्स के बाहर एक तरह का कुशन बना देता है, एक लेयर बना देता है, जो हमें इंजरीज से हमारे अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन है उनको बचाता है, ठीक है। और दूसरा, ये हमारे स्किन को भी क्या है, एक तरह के कंफर्ट प्रोवाइड करता है, हीट और कोल्ड दोनों में, ठीक है। लेकिन जब ये एक्सेसिव यानी कि ज्यादा अमाउंट में हमारी स्किन के अराउंड जमा हो जाता है, तो उस टाइप को क्या कहते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, ठीक है। ओबेसिटी इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज ओवरवेट एंड ससेप्टेबल टू हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम एंड अदर डिजीजेस। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट की तकलीफ हो सकती है और बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फूड दैट आर रिच इन फैट आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी कि हर एक न्यूट्रिएंट जो है वो आपको प्रॉपर अमाउंट में ही लेना है, ना कम ना ज्यादा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे पेज में। यहाँ पे देखिए एक पर्सन बताया गया, यह है ओबीस पर्सन, यानी कि देखिए इसका मोटापा कितना है। हाउएवर फैट मेक्स अवर फूड टेस्टी, दैट इज व्हाई फ्राइंग ऑयल और घी मेक्स फूड टेस्टियर। अब फैट जो होता है वो हमारे खाने को टेस्टी बनाता है, नो डाउट, लेकिन ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी के लिए एक्सेसिव अमाउंट में अच्छी चीज नहीं होती है। थोड़ी थोड़ी चीजें जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में अगर फैट हो और हम कोई विटामिन लें, तो वो हमारे विटामिन हमारे फैट में सॉल्युबल होकर हमारी मसल तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर अमाउंट में लेंगे तभी वो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में फैक्ट फाइल में आपको बताया है, फैट्स प्रोवाइड अस एसेंशियल फैटी एसिड विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लामेशन, ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्रेन डेवलपमेंट। जो फैट होता है वो एक फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे बॉडी में हो रही जलन या कहीं हमारा खून जम जाए या हमारे ब्रेन की विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिएंट नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स। लाइक फैट की तरह कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही बने होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हम अपने खाने में ज्यादा लेते हैं। और गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, स्वीट पोटैटोज, पोटैटो, कॉर्न, बनाना, ग्लूकोज, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। यहाँ आपको एक्टिविटी दी हुई है और आपको लिखने हैं गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। All these food materials are rich in carbohydrate. जो आपको पिक्चर में जितनी भी चीजें दी हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट से रिच हैं, यानी कि भरपूर मात्रा में हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है यही हमें एनर्जी प्रदान करता है ताकि हम अपना काम कर सके। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट गट टर्न इनटू शुगर इन द बॉडी। अब ये क्या टर्न करता है, शुगर की तरह इसको टर्न हो जाता है, हमारी बॉडी में चेंज हो जाता है और यही शुगर फिर बर्न होके एनर्जी रिलीज करता है। जैसे कि आपको पता है अगर कोई भी इंसान बीमार हो जाता है, उसे चक्कर आता है, तो उसे ग्लूकोज के ड्रिप दिए जाते हैं, राइट। तो यही जो ग्लूकोज है ये क्या है, एक तरह का शुगर ही है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इससे क्या होता है, वो बॉडी जल्दी रिकवर करता है और उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब हमारी जो बॉडी है वो 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, सेल्युलोज, स्टार्च एंड शुगर। ये 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो खाने में हमें पाए जाते हैं। सेल्युलोज जो होता है, जैसे किसी भी प्लांट सेल के अंदर होता है, जो भी हम प्लांट या पौधे वाली सब्जियां खाते हैं उनमें होता है, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल या कोई भी।
बट ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स नहीं हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, एक रफेज का काम करता है। रफेज मैंने आपको एक मिनरल का नाम बताया था, उसको हम बाद में रीड करेंगे, ठीक है। और दूसरा आता है आपका स्टार्च, तो जो वीट राइस मेज वगैरह हैं, जितने भी सीरियल वाली चीज़ें होती हैं, उन सबसे हमें स्टार्च मिलता है। और शुगर के लिए तो आप जानते ही हैं, फ्रूट में भी थोड़ा बहुत शुगर होता है, बाकी शुगर बीट और शुगर किन, यहाँ से हमें शुगर मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें स्टार्च और शुगर, यही हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और एनर्जी में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी फ्रूट हो गए, जैसे बनाना या वेजिटेबल, पोटैटोज वगैरह, इन सब में भी भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी द टेस्ट प्रेजेंस इन स्टार्च। स्टार्च को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमने लीफ के केस में भी देखिए, अगर आपको याद होगा तो पिछले चैप्टर में हमने लीफ में भी स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे किया था, आयोडीन सॉल्यूशन यूज करके। तो यहाँ पे भी सेम आपने करना है, किसी भी फूड प्रोडक्ट को एक किसी भी टेस्ट ट्यूब में लेना है क्रश करके, और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स उस खाने में स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपको टेस्ट का टेबल बनाया गया है। नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ शुगर। अब किस चीज में शुगर है या नहीं, उसको कैसे टेस्ट करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे बेनेडिक्ट नाम का सॉल्यूशन लेते हैं। आपने एक फूड का स्मॉल पीसेस में उसको कन्वर्ट करना, उसको मैश करना और उसके अंदर का जूस निकाल देना और एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, राइट। फिर उसमें आपने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को ऐड करना है और उसके बाद उसको हीट करना है। अगर हीट करने के बाद उसका रंग रेड कलर में चेंज हो जाए, तो दैट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है, शुगर। ये टेस्ट है आपका शुगर टेस्ट करने का किसी भी खाने में। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं नंबर 3, न्यूट्रिएंट प्रोटीन। आपको पता है प्रोटीन के बारे में, तो हम तो बहुत बोलते हैं कि ये खाओ इसमें प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन भी होता है। समटाइम्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट, इसमें थोड़ा अमाउंट का सल्फर भी होता है। प्रोटीन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। जो हम प्रोटीन प्लांट से लेते हैं वो किससे मिलता है हमें, वेजिटेबल्स लाइक ड्राई फ्रूट्स, पीनट और जितने टाइप की हमारी बीन्स होती हैं, बीन्स आपको पता है फलियां। अब प्रोटीन जो एनिमल से मिलता है वो क्या होता है, फिश, मीट, एग, मिल्क, चीज, कर्ड, इन सबसे हमें प्रोटीन मिलता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोटीन प्लांट से ज्यादा एनिमल सोर्सेस से हमारी बॉडी में ज्यादा मिलता है। तो जो एनिमल सोर्सेज होते हैं उनसे ज्यादा हम प्रोटीन गेन कर सकते हैं। आपने हमने पिछली क्लासेस में या पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि प्रोटीन हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी। ये हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, ये हमें ग्रो करने में भी हेल्प करता है और हमारे बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि बोन्स की हो गई, मसल्स की हो गई, स्किन टिश्यू, इनको हेल्प करता है। द सल्फर एंड नाइट्रोजन जो उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारे डेली पार्ट में कितना होना चाहिए और कितना नहीं। अब प्रोटीन जो होता है, जैसे कि मैंने बताया, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट कह सकते हैं आप 3-4-5 साल के बच्चे जो छोटे छोटे अभी बढ़ रहे होते हैं वो, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको प्रोटीन देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो उस समय उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो डेवलप हो रहा होता है या कमजोर होता है। तो उस टाइम पे प्रोटीन देने से उनको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन से लड़ने की सहायता उन्हें मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं आपके, मैंने जैसे कि बताया कि पल्सेस हो गए, आपकी जितनी दालें हैं, बीन्स, सीरियल्स वगैरह, ग्राउंडनट, इन सब से भी आपको प्रोटीन मिलता है। खास करके जो सोयाबीन होती है उनमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, अगर डेफिशिएंसी किसी की बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो उससे क्या हो सकती है, PCM, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, या उसको हम PEM भी कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है न्यूट्रिशन की कमी, और ये ज्यादातर 1 साल से 5 साल के बच्चों में पाई जाती है, अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से आप खाना या न्यूट्रिशन नहीं प्रदान कर रहे हैं तो।
इन्फॉर्मेशन बॉक्स, अगर आपको पता करना है कि आपको हर दिन कितना प्रोटीन चाहिए तो इसको फाइंड आउट करने का इन्होंने तरीका बताया है। सबसे पहले आप अपना वेट नापें, केजी में जितना आपका वेट होगा उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कीजिए और जितना आंसर आएगा उतने ग्राम्स हर दिन आपको प्रोटीन खाना जरूरी है। नेक्स्ट है द टेस्ट प्रेजेंस फॉर प्रोटीन इन फूड। अब प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले आपने जो भी आपको लगता है जिसमें प्रोटीन हो सकता है कि नहीं वो प्रोटीन का एक सैंपल लें, ठीक है, उसको छोटे छोटे पीस में ग्राइंड कर लें, यानी कि उसको मिक्सी में थोड़ा सा पीस लें, फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल लें। अब उस टेस्ट ट्यूब में 8 से 10 वाटर ड्रॉप यानी कि थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, कोई 8 से 10 वाटर ड्रॉप उसमें ऐड करेंगे, फिर उसको अच्छे से शेक करके उसका एक सॉल्यूशन बना लेंगे। फिर उसके बाद आपने 2 ड्रॉप जो है वहां पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का डालना है और उसके बाद 10 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का डालना है, ठीक है। अच्छे से उसको शेक कर लेंगे तो हम एब्जॉर्ब करेंगे कि अगर उसमें प्रोटीन है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा किसमें, वॉयलेट में, यानी कि बैंगनी कलर में, तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें क्या है, प्रोटीन है। अगर नहीं चेंज होगा तो ऑब्वियसली प्रोटीन नहीं है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि जब ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में करें तो याद रखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को केयरफुली टच करना है, यानी कि उसको बहुत ही संभाल के यूज करना है क्योंकि उससे आपकी स्किन भी जल सकती है, इसको उसको प्रॉपर से हैंडल करना है। नेक्स्ट ये अपार्ट फ्रॉम गिविंग अस एनर्जी रिपेयरिंग अवर बॉडी हेल्पिंग अस टू ग्रो, फूड इज ऑल्सो नीडेड टू हेल्प अवर बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। अब जैसे कि आप जान सकते हैं बाकी चीजें तो आगे हमें ग्रो करने के लिए भी चीज होगी, हमारे पास खाने के लिए भी होगी, एनर्जी के लिए भी चीज होगी, लेकिन उसके अलावा हमें ऐसी चीजें भी चाहिए जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाए, जो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाए, तो इसके लिए विटामिन और मिनरल भी बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन और मिनरल्स के बारे में। तो पहले आते हैं विटामिन। विटामिन आर रिक्वायर्ड टू कीप अवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। दो, हमें ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से कर सके, लेकिन इनकी कमियों की वजह से अगर ये हमारी बॉडी में कमी हो जाए इनकी, तो इससे हमारी बॉडी में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, लेकिन इसको हम दो टाइप में इसको डिवाइड करते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। जो हमारे बॉडी के फैट में सोल्यूबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और जो हमारी बॉडी के वाटर में मिक्स होते हैं, या दो अलग अलग तरह के हैं। जो फैट में मिक्स होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसको याद रखने का तरीका क्या है, एडेक, आप एडेक करके इसको याद रख सकते हैं कि फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, एडेक, ए डी ई के। और जो दूसरा ग्रुप है वाटर सोल्यूबल का, जो बच गए आपके, वो आ जाते हैं आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। अब ये बी कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया हुआ है, क्योंकि विटामिन बी में बहुत से सब ग्रुप्स आ जाते हैं, वो आप मैं आपको आगे के टेबल में बता दूंगी, जो उनका उतना ही इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट है कि सोर्सेज ऑफ विटामिन, विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो बहुत ही जरूरी है, उसके अलावा फ्रूट्स हो गए जैसे कि स्पिनच यानी कि पालक, कैबेज, कोरिएंडर, धनिया हो गया, कैरेट, पपाया, राइप मैंगोज यानी कि पके हुए आम, ऑल सीट्रस फ्रूट। सीट्रस फ्रूट किसे कहते हैं, जैसे कि ऑरेंज और लेमन जिसमें ऐसे खट्टा खट्टा सा जूस होता है, और बाकी टमाटोज, इन सब में आपको विटामिन की मात्रा मिलती है। विटामिन हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से और हमारी बॉडी को वेरियस इन्फेक्शन से, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इस तरह के खाने को प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है, जो हमें हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखते हैं। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं इन सब चीजों को। नेक्स्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बॉक्स में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, अवर बॉडी कैन सिंथेसाइज विटामिन डी एंड के। हमारी बॉडी खुद, यानी कि बाहर से लेने की जरूरत इसकी है भी थोड़ी, और हमारा बॉडी इसको खुद सिंथेसाइज करके बनाती है। अब विटामिन डी कैसे बनाते हैं, अगर हमारी स्किन में जितनी भी फैट या वही चीजें, अगर हम सनलाइट मिले, जिसे बोलते हैं ना धूप लेने से विटामिन डी मिलता है, कैसे मिलता है, जब सनलाइट हमारी बॉडी हमारी स्किन पे
पड़ती है तो जो हमारे स्किन में फैट होता है ना, वही सिक्रीट कर देता है विटामिन डी। इसलिए कहा जाता है कि सनलाइट में भी थोड़ी देर बैठना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है वेरियस विटामिन्स का, उनके सोर्सेज और उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये टेबल बहुत ही जरूरी है, ये बच्चों आपको लर्न करना है इस टेबल को। विटामिन ए सोर्सेज, विटामिन ए क्या क्या खाने से हमें मिलता है ये आपको बताया है यहाँ पे। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस, यानी कि विटामिन ए अगर हमारी बॉडी में होगा तो क्या क्या होता है। ग्रोथ अच्छी होती है, हमारी आंखें और हमारी स्किन भी हेल्दी रहती है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो इसकी कमी से क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधेरे में आपको बिल्कुल ना दिखना, डिम लाइट में बिल्कुल ना दिख पाना। इररेगुलर टीथ ग्रोथ, आपकी दांत की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाना, ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। यहाँ पे आपको बी कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने बताया था बी के, विटामिन बी के बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं, इनको भी अलग अलग बताया है। इनके जो नाम है वो भी आपको नीचे मेंशन किए हुए हैं, और बाकी इनका भी सेम चीज़ है। यहाँ पे आपको सोर्सेस, इसकी इम्पोर्टेंस और डेफिशिएंसी डिजीज बताई है। ये हर एक विटामिन के आपको इसका टेबल बाई हर्ट लर्न होना चाहिए, स्पेशली कि उनसे हमारे क्या क्या इम्पोर्टेंस उनकी है विटामिन की, और दूसरा उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस का नाम, ये आपको बाई हार्ट लर्न होना चाहिए। तो इस टेबल को ज़रूर पढ़ें, सारी स्टडी करें, और इस टेबल को याद करके ही आपने अपनी कॉपी में भी लिखना है। या मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, B1 की कमी से बेरी बेरी नाम का एक बीमारी होती है जो हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन को डैमेज करती है। B2 राइबोफ्लाविन, इसकी वजह से क्या होता है, इससे हमें स्किन रिलेटेड डिजीजेस होते हैं और रिटार्डेड ग्रोथ यानी कि हमारे बढ़ने में भी यानी कि ग्रोथ होने में भी कमी आती है। विटामिन B3 जिसको नियाकिन बोलते हैं, इसकी वजह से पेलेग्रा नाम का एक डिजीज होता है जो हमारे स्किन और हमारे डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम तीनों को डैमेज करता है। विटामिन B7 जिसको बायोटिन कहते हैं, इससे हेयर लॉस होता है यानी कि बाल झड़ते हैं आपके, ठीक है, स्केली या रेड रैशेस हो जाते हैं आपके फेस पे, आपके फेस पे झुर्रियां आना या लाल लाल खारिशें होना अराउंड द आईज नोज और माउथ के, या आपके जेनिटल एरिया में भी। नेक्स्ट है B9 फॉलिक एसिड, इसकी कमी से आपको माइक्रोसाइनेमिक अनीमिया हो सकता है। अनीमिया आपको पता है खून की कमी जिसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो रेड ब्लड सेल है, आपकी खून है, वो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। नेक्स्ट है B12 काइनोकोबालामिन, इसकी कमी से भी आपको अनीमिया होता है, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, दोनों से आपको क्या है अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी दांतों की प्रॉब्लम होता है यानी कि आपके जो दांतों के किनारे के आपके गम्स हैं जिसको मसूड़े कहते हैं उसमें से खून आना, या आपको अगर कोई चोट लग जाए, आपकी बॉडी में कोई कट लग जाए, वो अगर जल्दी से ना भरे तो वो भी मतलब आपको इंडिकेट करता है कि आप में विटामिन सी की कमी है। नेक्स्ट है विटामिन डी, विटामिन डी से आपको रिकेट्स होते हैं, रिकेट्स ज़्यादातर बच्चों में पाए जाते हैं, ये एक तरह की प्रॉब्लम है जिससे जो शरीर में हड्डियाँ होती हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं और डी शेप्ड एकदम टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जैसे आपने कभी कभी कोई फोटोज़ में देखे होंगे बच्चों की एकदम टेढ़ी सी हड्डी हो जाती है, कमज़ोर एकदम मरा हुआ बच्चा, उसमें ना जान भी नहीं होती, ये सब कैल्शियम की कमी से होता है। विटामिन डी मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी, तो इनकी वजह से रिकेट होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई, विटामिन ई से पुअर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्सेस एंड मसल वीकनेस, जो आपकी नर्व्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपको अच्छे से आपको मोशन, जो आपका दिमाग आपको सिग्नल देना चाहता है वो आपको नहीं दे पाता है, और दूसरा आपके जो मसल होते हैं आपके शरीर के उसमें भी आपको थकावट या आपको दर्द शुरू हो जाएगी। विटामिन के की कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुड, मतलब विटामिन के की कमी से आपके घाव नहीं भरेंगे और उसमें से खून निकलता रहता है, तो उससे भी आपको पता चलता है कि आपको क्या है विटामिन के की कमी है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं मिनरल्स में। अब मिनरल्स क्या है, जैसे विटामिन के साथ जो मिनरल है उसको भी हम प्रोटेक्टिव फूड्स में इंक्लूड करते हैं।
विटामिन तो आपने पढ़ लिए, इनके अलावा जो हमारी बॉडी में ज़रूरी होते हैं उन सब में आ जाते हैं हमारे मिनरल, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, आयोडीन, कॉपर, ये सब छोटी छोटी क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे आपको पता है कि आपकी माँ बोलती है कि दूध पिया करो, दूध पीने से शक्ति मिलती है, इससे आपके बोन और टीथ अच्छे होते हैं, तो इन दूध में क्या प्रेजेंस होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस, जो हमारी बोन्स और हमारी दांतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आयरन क्यों ज़रूरी है? आयरन हमारे ब्लड के लिए ज़रूरी होता है, अगर हमारे ब्लड सेल्स में आयरन की थोड़ी सी मात्रा हो तो वो भी RBCs स्वस्थ रहते हैं। दूसरा आयोडीन, आयोडीन की कमी वो हमारे थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड का होता है आपके गले में एक ग्लैंड होता है जिसमें आयोडीन उसको सही मात्रा में ज़रूरी होता है उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, उसकी कमी से आपको एक गोइटर नाम की बीमारी भी हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ज़रूरी होते हैं हमारे फ्लूड बैलेंस को कंट्रोल में रखने के लिए, जो हमारे अंदर जितना भी फ्लूड है उसको कंट्रोल में रखना, और बाकी आगे मिनरल जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, इनके भी अपने बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोइंग चिल्ड्रन, नर्सिंग मदर और एडल्ली वुमेन, जो अभी बच्चे जस्ट बढ़ रहे हैं वो, या जो मदर अभी अगर मान लो प्रेग्नेंट है या जो बीमारी है जिसको वो, और जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़ी वुमेन, उनको भी कैल्शियम की कमी बहुत आती है डाइट में। आपको पता होगा जैसे कि उनको जोड़ों का दर्द, ये जोड़ों का दर्द क्यों होता है? अगर आपकी बोन्स में कैल्शियम की कमी है उन्हीं की वजह से ये दर्द शुरू होते हैं, आपके जो जॉइंट होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि हर एक मात्रा में थोड़ा थोड़ा मिनरल भी ज़रूरी है। अब इन मिनरल्स के ग्रीन सोर्सेज, मतलब कि सबसे मेजर सोर्सेज कौन से हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, बनाना, जैगरी मतलब गुड़, एग्स खाओ, मीट, मिल्क, सी फूड, आयोनाइज सॉल्ट, सॉल्ट में जिसमें आयोडीन होता है उसका नमक खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट आपको ये टेबल दिया हुआ है, इसमें मिनरल बताए हैं, उनके सोर्सेस, इंपॉर्टेंस एंड डेफिनेशन दी। आप देख सकते हैं आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, यानी कि वही खून की कमी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आपके बोन्स वीक होते हैं और आपके दांत, टूथ डीके, दांत भी सड़ते हैं, क्योंकि दांत में भी बोलते हैं ना पेस्ट में कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम क्यों होता है? हमारे दांतों को ठीक रखने के लिए, और कैल्शियम की कमी से हमारे दांत खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट आया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या होता है? वीकनेस आती है, आपको थकावट होती है, और वही बैड टीथ और बोन, इसमें भी सेम है, कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बोन्स और टीथ के लिए होते हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से हमें मसल वीकनेस आती है, थकावट होना, ऐसे पूरे बाजुओं में वगैरह दर्द होना। सोडियम की कमी से मसल क्रैम्प, वही दर्द और फटीक, फटीक यानी कि चक्कर आना, थकावट होना। नेक्स्ट आयोडीन की कमी से हमें एक बीमारी होती है, इसका नाम है गोइटर। गोइटर एक तरह की बीमारी है जिससे आपके गले का जो थायराइड ग्लैंड है गले में, वहाँ पे सूजन सी आ जाती है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन किस लिए होता है? ये ज़्यादातर पानी में पाया जाता है, अगर आपके पानी में प्रॉपर थोड़ी अमाउंट में फ्लोरीन ना हो तो उसके बाद से आपके डेंटल यानी कि दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों का सड़ना या जो गड्ढे हो जाते हैं दांतों में वो चीज़ आपको हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आपको वाटर भी अकॉर्डिंग टू यानी कि मिनरल वाटर जिसको कहते हैं ना, वो भी आपको अच्छा स्वस्थ पानी पीना चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। हमें पता है कि हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 70% वाटर है हमारी बॉडी में, और ये आपको आपको रिकमेंड किया जाता है कि डेली 8 से 10 ग्लासेस पानी आपको पीने ही चाहिए। हम खाने के बगैर रह सकते हैं लेकिन पानी के बगैर नहीं, और पानी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेशन में भी, खाने को डाइजेस्ट करने में भी, अंदर की जितनी भी फ्लूड एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने में भी, और बाकी चीज़ों को मिनरल्स में लेने के लिए भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब खाने में वाटर है कि नहीं उसको उसका टेस्ट करने के लिए तो सिंपल सा है, आप कोई भी वेजिटेबल्स ले लीजिए, उसे धूप में 4-5 दिन रखिए, मतलब पहले वेजिटेबल जिसको आपने रखना उसका वेट ले लीजिए, उसका वेट आपने नोट डाउन कर लिया, फिर 4-5 दिन उसको धूप में रखोगे, धूप में क्या होता है कि सनलाइट आपका सारा उसका पानी सोख लेगी, और फिर उसका वेट मेजर करो तो आपको पता चल जाएगा कि वेट में डिफरेंस आएगा, वो थोड़ा सा
लाइट हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें से पानी क्या है, सूख गया है, दैट मीन्स उसमें पहले पानी था। ठीक है, अब पानी होना ज़रूरी, आपको पता है अगर पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, और ये डिहाइड्रेशन तो बहुत तरीके से होता है, ज़्यादा आपको पसीना आए या आपको डायरिया हो जाए, डायरिया मतलब लूज़ मोशन हो जाना। और अगर ये आपको डिहाइड्रेशन एक्यूट डिहाइड्रेशन मतलब अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इससे आप एकदम ही थक जाएंगे, आप में बिल्कुल वीकनेस आ जाएगी, आप बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे। तो इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ORS सॉल्यूशन, जिसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। इसके पैकेट भी अवेलेबल होते हैं, आप उसको पानी में मिक्स करके पी सकते हैं, ये आपके शरीर में पानी की क्वांटिटी को ज़्यादा करेगा। या आप ORS घर में भी बना सकते हैं पानी में शुगर और सॉल्ट दोनों को मिक्स करके। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 2 to 3 liters वाटर एवरी डे, यानी कि दिन में 2 to 3 liters पानी पीना चाहिए अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, पानी से भरपूर रखने के लिए। लास्ट आपका आता है रफेज। रफेज किसे कहते हैं? रफेज पहले ही बताया था, एक इनसॉल्यूबल टाइप का न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी में इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ये न्यूट्रिएंट। इसे हम डाइट्री फाइबर भी कहते हैं। डाइट्री फाइबर क्या आता है, ये कहाँ पाया जाता है? जितनी हमारी फ्रूट की स्किन होती है ना, उसमें पाया जाता है, या कोई सैलेड हो गया, पत्ता गोभी या दलिया, इन सब में ये चीज़ मिलती है। अब इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है इसका, ये हमारे मतलब हमारे पेट में सॉल्यूबल, यानी कि किसी भी न्यूट्रिएंट में, एनर्जी गिविंग फूड में सॉल्यूबल तो नहीं हो पाता है, लेकिन ये बाकी खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। यानी कि ये जितना भी हम खाना खाते हैं उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपको मान लो कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन मतलब कि अगर आपका पेट फूल जाए, आपको आपके सही से पेट वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जो उसको बोलते हैं हम कब्जी होना, उसके लिए ये रफेज वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये आपकी कब्जी उसी समय ख़त्म कर सकती है और ईजिली आपके खाने को डाइजेस्ट कर सकता है। इसीलिए जो ये रफेज होता है ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे डाइट में। तो आप इसमें से कोई भी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि आपको बताया फ्रूट को हमेशा स्किन के साथ खाएं, सैलड वगैरह खाएं, कैबेज, ओटमील जिसे को दलिया भी कहा जाता है, तो ये सब चीज़ें खाना चाहिए। अब टू गेट रफेज, हमारे रफेज लेने के लिए उन्होंने कहा क्या होता है, सैलड खाएं और रॉ वेजिटेबल खाएं, यानी कि कच्चे वाली वेजिटेबल, जैसे कि जो सैलड आपके कैरेट, कुकम्बर आ गया, रेडिश आ गया, ये सब फ्रूट को खाएं उसकी स्किन के साथ, ठीक है। उसके अलावा होल ग्रीन फ्लोर खाएं। होल ग्रीन फ्लोर किसे कहते हैं, जो साबुत आटा या साबुत के वो जो चावल होते हैं, जैसे कि ब्राउन ब्रेड, उनका ब्राउन कलर का आता है, ब्राउन राइस जिसे कहते हैं, वो सब आपके होल ग्रीन फ्लोर में आते हैं। और अगर आप आटा गूंदने के लिए उसको सीव ना करें, सीव मतलब बिना छाना हुआ आटा, और उससे अपनी रोटियां बनाएं, तो उससे आपको क्या मिलता है, रफेज यानी कि फाइबर मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट सही मात्रा में होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी क्या है, हेल्दी रह सकती है। तो एक बहुत ग्रेट सेइंग है कहने का कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लमदायक हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। तो इसमें आपको यही बताया गया है कि हर एक न्यूट्रिएंट आपको प्रॉपर अमाउंट में लेना है, ज़्यादा न कम। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं बैलेंस डाइट। अब ये बैलेंस डाइट क्या कहलाती है, अ balanced diet may be defined as a diet that provide all essential nutrients required by the body in the correct amount. ये लास्ट लाइन को पढ़े, इन द करेक्ट अमाउंट, यानी कि सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए होना जरूरी है लेकिन सही मात्रा में। इन ऑर्डर टू मेंटेन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अवर बॉडी नीड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटीज, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट बनाया हुआ है और इसमें आपको दिखाया हुआ है कि कितनी कितनी मात्रा में हमारी बॉडी को ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो ये राइट अमाउंट में अगर आप इसको इनटेक करेंगे तभी आपकी बॉडी क्या है, हेल्दी रह पाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट है, अब इन्होंने बताया है कि हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स को ध्यान रखना चाहिए खाना खाने से पहले या खाना खाने के लिए। हमेशा फ्रेश और साफ फूड लें, ठीक है। खाने को कभी भी ज़्यादा देर तक ना पकाएं, क्योंकि ज़्यादा देर तक पकाने में उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ओवर कुक नहीं करना चाहिए। अवॉइड टू ऑयली एंड स्पाइसी फूड, ज़्यादा ज़्यादा तेल वाला खाने को भी ना खाएं, और जो स्पाइसी यानी कि तीखा होता है वो भी खाना ना बनाएं। जंक फूड बाहर का खाना तो छोड़ दें। हमेशा फ्रूट और वेजिटेबल धो के काटें, काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, पहले धोएं और बाद में उनको काटें और छीलें। हैव लॉट ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि इस दौरान सीजन में जो जो आपको फ्रूट और वेजिटेबल बाहर मार्केट में मिल रहे होते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में मतलब वो लाएं और खाएं ज़रूर। और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। डेफिशिएंसी डिजीज़ किसे कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होती है। कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी अगर आपकी बॉडी में पाई जाती है तो उससे क्या आते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज़ उसको बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अगर आयोडीन की कमी हो जाए क्या होता है। हम पता है कि हम अपने खाने में नमक तो यूज़ करते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी अगर उसमें सही मात्रा में नमक में आयोडीन ना हो तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में या लोगों में आयोडीन की कमी हो जाती है। और उस आयोडीन की कमी से हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलो कर जाता है, यानी कि सूज जाता है, और वो इतना सूज जाता है कि इवन क्रिकेट बॉल की तरह बड़ा या उससे भी बड़ा हो जाता है। ये आप फोटो में देख सकते हैं इस तरीके से। और इस बीमारी को क्या कहा जाता है, गोइटर। और इस बीमारी को अगर आपने अवॉइड करना है तो प्याज में भी ट्रेसेस यानी कि थोड़ी मात्रा में आयोडीन होता है, तो प्याज भी ज़रूर खाना ज़रूरी है, तो प्याज को भी खाएं, ठीक है। नेक्स्ट है, दीज डिजीज आर नॉन एज डिफिशियंसी डिजीज एंड द कंडीशन राइजिंग इज कॉल्ड द माल न्यूट्रिशन। अब मैंने आपको पहले बताया था माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी। नेक्स्ट एक और डिजीज़ का नाम यहाँ बताया गया है, क्वाशिकर। क्वाशिकर एक डिजीज़ है जो होता है आपको डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन की कमी से होता है। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में जिनको माँ का दूध नहीं मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि माँ के दूध में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रिच होता है, वो मदर का मिल्क बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो 1 साल का बच्चा है अगर उसको प्रॉपर ये चीज़ नहीं मिल रही है तो उसको ये बीमारी होती है। अब इस बीमारी में क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो में, इसके सिम्टम्स हैं कि जो बच्चा होता है वो थिन पतला और बीमार होता है, एकदम वीक हो जाता है, उसका जो निचला हिस्सा होता है वो सूज जाता है, जैसे इसका पेट फूला हो जाता है पूरा, स्किन उसकी स्केली और उसमें क्रैक आने लगते हैं, उसमें झुर्रियां और एकदम फटने वाली स्किन हो जाती है, वो ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट भी रुक जाती है, ना उसकी हाइट बढ़ती है ना उसका दिमागी विकास हो पाता है, और मसल स्टार्ट टू वेस्ट, और मसल्स में तो जान ही नहीं होती है। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए, जिसमें सोयाबीन हो गया, पीनट, वीट ग्राम, जैगरी, फिश मीट, ये सब उनको देना चाहिए, खासकर 1 साल के बच्चों को। नेक्स्ट बीमारी का नाम है मेरेस्मस। मेरेस्मस में क्या होता है, ये भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। ये ज़्यादातर 1 साल के छोटे बच्चों को होते हैं, यानी कि 1 साल से कम के बच्चों को, जिनको माँ का दूध रिप्लेस करके बहुत जल्दी कुछ अलग अलग खाना उनको देने लगते हैं, जिसमें ना प्रोटीन होता है प्रॉपर मात्रा में ना कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी वजह से छोटे बच्चों को ये बीमारी हो जाती है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हो जाता है, वो शरीर में ये पूरे रिब्स दिख रहे हैं उसकी, मांसपेशियां, शक्ल एकदम कमज़ोर हो गई। सिम्टम इसके बताए हैं, वीक और थिन हो जाता है, लिम्स स्टार्ट थिनिंग, जो उसके अंदर की जो लिम्स हैं, जो मांसपेशियां हैं वो एकदम कमज़ोर होने लग जाती है, रिब्स बिकम प्रोमिनेंट, ये जो उसके अंदर की पसलियां हैं वो देखो वो दिख रही हैं पूरी रिब्स, स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, पतली हो जाती है और उसमें झुर्रियां आने लगती हैं, ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट तो वैसे ही रुक जाता है, और उसको डायरिया होता है, डायरिया यानी कि लॉस ऑफ वाटर। इसको रोकने के लिए हमेशा बच्चों को प्रोटीन वाली कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देनी ज़रूरी होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट 1-2 साल तक माँ का दूध बहुत ज़रूरी है।
तो ये था आपका चैप्टर। इसमें हमने सारे विटामिन्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स के बारे में, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी आपको बताया, उनकी कमियों से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं वो भी आपको डिस्कस किया है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट समरी दी है, इसको ज़रूर रीड करें। यहाँ पे आपको कुछ की टर्म्स भी दिए हैं, उनकी डेफिनेशंस की क्या क्या होती हैं, उनकी क्या, जैसे कि एनीमिया के बारे में बताया। एनीमिया होता है जिसमें हीमोग्लोबिन यानी कि हमारा जो ब्लड काउंट होता है वो कम हो जाता है। बाकी डेफिशिएंसी डिजीज़ की डेफिनेशन दी है, वह डिजीजेस जो ऑकर होते हैं बाय द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं टेस्ट योरसेल्फ यानी कि एमसीक्यूज में। पहला आपको एमसीक्यू दिया है, विच वन एक्ट एज अ रफेज। इन चारों में रफेज की तरह कौन एक्ट करता है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर रफेज क्या था, इसका आएगा बी यानी कि सेल्यूलोज। मैंने आपको बताया था सेल्यूलोज क्या है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो एक रफेज की तरह एक्ट करता है। हम उसको बाद में पढ़ेंगे, ये मैं आपको पीछे मेंशन कर चुकी हूँ, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ फैट, फैट किससे बना है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड, घी एंड बटर आर ऑल्सो कॉल्ड, घी और बटर को हम क्या कहते हैं, एनिमल फैट। गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज्यादातर किससे मिलता है, राइस एंड वीट से यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आयरन की, विटामिन B12 की, बोथ ए एंड बी और नीदर, तो इसमें आएगा बोथ ए एंड बी, आयरन की कमी से भी होता है एंड विटामिन B12 की कमी से भी। कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में क्या क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम, तो इसका ऑप्शन आएगा सबसे पहला ऑप्शन यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ऑप्शन ए। सेवेंथ है प्रोटीन हेल्प्स अस इन, प्रोटीन हमें क्या करता है, हेल्प बॉडी बिल्डिंग में, मेक स्किन सॉफ्ट, इम्यूनिटी, नन ऑफ दी अबव, तो इसका आएगा बॉडी बिल्डिंग यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन के एग्जांपल क्या है, तो इसमें आएगा आपका बोथ ए एंड बी, बटर एंड घी से भी मिलता है, फिश मीट एंड एग से भी मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ परसेंटेज ऑफ वाटर इन अवर बॉडी, तो वो कितनी है, 70% यानी कि ऑप्शन सी। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसका है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का, फ्लिंदा ब्लैंक्स। फ्लिंदा ब्लैंक्स में फर्स्ट आपको दिया है विटामिन B9 इज ऑल्सो नोन एज फॉलिक एसिड, डैश एंड डैश आर कॉज्ड बाई प्रोटीन डेफिशियंसी, तो कौन कौन सी दो बीमारियां लास्ट में बताई थी, क्वाशिकर एंड मरसमस। डैश एंड डैश हेल्प इन मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, उसमें आएगा आपका सोडियम एंड पोटेशियम। फोर्थ है डैश इज रिच इन प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, और सभी में क्या है, तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ आपको बोलती हूँ डेयरी प्रोडक्ट्स आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिए डेयरी प्रोडक्ट्स। फिफ्थ नंबर है डैश हेल्प्स इन रेगुलेटिंग अवर बॉडी टेम्परेचर, तो यहाँ आप लिखेंगे वाटर, वाटर हेल्प्स इन रेगुलेटिंग अवर बॉडी टेम्परेचर। आगे हैं आपके टिक द करेक्ट ऑप्शंस, फ्राइंग मेक्स फूड टेस्टी सो वी शुड ईट अ लॉट ऑफ फ्राइड फूड, तो ये क्या है आपका, फॉल्स, हमें ज़्यादा फूड नहीं खाना चाहिए फ्राइड। सेकेंड, इफ़ वी ईट टू मच वी विल बिकम वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा खाने से कोई हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फूड वी ईट, ट्रू, ऑब्वियसली वाटर होता है इसमें। फैट ईल्ड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, फॉल्स, फैट नहीं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिफ्थ, द बॉडी नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉल्स, लार्ज अमाउंट में नहीं, उसको प्रॉपर अमाउंट में यानी कि राइट अमाउंट में चाहिए, तो ये है आपका फॉल्स। नेक्स्ट है टिक द फूड विच इज हायर न्यूट्रिशन वैल्यू, अब उसमें आपको वो टिक करना है जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, तो पहले वाले में क्या है, वीट फ्लोर या मैदा, तो इसका आंसर है वीट फ्लोर। सेकंड में कुक्ड कैबेज या रॉ कैबेज, तो ये आएगा रॉ कैबेज यानी कि खाली बिना पका हुआ पत्ता गोभी खाना ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट चपाती या नूडल्स, ऑब्वियसली चपाती। नेक्स्ट एरिनेटेड ड्रिंक या फ्रेश फ्रूट ड्रिंक, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है या फ्रेश जूस, तो इसका आएगा आपको फ्रेश फ्रूट जूसेस। नेक्स्ट फ्राइड राइस या दाल राइस,
फ्राइड यानी कि तला हुआ राइस या दाल राइस, तो ऑब्वियसली दाल राइस ज्यादा न्यूट्रिशन वाला होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड नोन एज, तो इसका आंसर क्या है, न्यूट्रिएंट्स। नंबर टू, व्हाट न्यूट्रिएंट्स डू यू गेट फ्रॉम कोकोनट, कोकोनट से हमें क्या मिलता है, फैट। थर्ड, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अवर डाइट, हमारी डाइट में मोस्ट कॉमन कौन सा फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो इसमें आप लिखेंगे स्टार्च एंड शुगर। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोटीन्स ऑब्टेन फ्रॉम मटन और चिकन नोन एज, जो मटन और चिकन से हमें प्रोटीन मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, एनिमल प्रोटीन। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल इज रफेज, तो कौन सा पार्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल का रफेज होता है, तो उसमें क्या लिखेंगे, द स्किन, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल की स्किन में होता है रफेज। नेक्स्ट, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड वी ड्रिंक डेली, तो कितने लीटर पीना चाहिए, 2 to 3 liters। Which vitamin help us to maintain healthy bone and teeth? Healthy bone and teeth के लिए हमें कौन सा vitamin चाहिए होता है? जिसमें है vitamin D. ठीक है? तो ये थे आपके one word questions का। अब next आते हैं हम short answer questions। तो इसके लिए मैं बच्चों को recommend करूँगी कि वो खुद करें। ये सारे questions आपको within the chapter ही मिलेंगे। तो इस चैप्टर को आपने ध्यान से फिर से रीड करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को उनमें से देख के लिखना है। बाकी आते हैं आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और वहां से इनके आंसर्स को नोट डाउन कर लें। 8th and 9th को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिख दूंगी, तो बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, लेकिन ये जो शॉर्ट आंसर्स हैं ये आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से चीजें समझें और बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें मैसेज करना ना भूलें या इस वीडियो के एंड में कमेंट करें, हम आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में या मैसेज में रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।